सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एक नए फ्रेश व्लॉग में। और टुडे इज गोना बी अ ट्रैवल व्लॉग, बट ट्रैवल तो हम बाइक पे ही करेंगे। और सेम अपना वही वाला है, तीनों लोग जा रहे हैं, थ्री मस्केटियर्स, मैं, मिक्की पाजी एंड शेरी पाजी। सो टुडे इट्स 25th of March एंड इट्स 10:30 AM इन द मॉर्निंग। और अभी पहले हम जाएंगे जिम, करेंगे वर्कआउट, और ताबड़तोड़ वर्कआउट के बाद प्लान्स ऐसे हैं कि वी विल लीव पोस्ट लंच बाय 2-ish सो वी कैन रीच। और आज हम जहाँ जा रहे हैं, दैट इज़ अ सस्पेंस फॉर यू गाइस, जहाँ वापस उत्तराखंड में ही रहे हैं, बट इट्स गोना बी अ शॉर्ट वीकेंड राइड। सो देखते हैं क्या क्या होता है, आगे इन्जॉय करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें होने वाली हैं। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। अब पहले जाएंगे जिम, जिम से बढ़िया ताबड़तोड़ चेस्ट का वर्कआउट करेंगे, उसके बाद आएंगे। बाइक मैंने लोड कर दी है अच्छी तरीके से, सारा पैनियर्स और टेल बैग वगैरह सब कुछ लगा दिया, वापस आएंगे, लंच करेंगे और उसके बाद चुपचाप लोई लोई निकल जाएंगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं थोड़ी देर। अच्छा वर्कआउट हुआ, चेस्ट वर्कआउट किया आज हमने, और अब एक बज चुका है और फाइनली बस अब फटाफट हमने घर जाना है, कपड़े बदलने हैं, गियर्स पहनने हैं और बाइक पे फटाफट निकल जाना है। टाइम बहुत कम है अपने पास, अब आपको सीधा हम लोग बाइक पे मिलेंगे आधे घंटे में, मोस्ट प्रोबेबली 45 मिनट्स में विल बी लीविंग। सो घर जाते हैं, नहाते हैं, फटाफट आपको बाइक पे मिलते हैं। ठीक है, अब आपसे बाइक पे मिलेंगे। सी यू गाइस। गाइस वी आर ऑल सेट टू लीव एंड दिस इज हाउ द बाइक्स आर लुकिंग। इस बार हमने इसमें वाइट एरा का टेल पैक लगाया, टेल पैक ही कहते हैं ना इसको, क्या कहते हैं, टॉक क्लॉट आई भाई। तो दिस इज़ हाउ द बाइक सर लुकिंग। आप बाइक पे बैठते हैं और मैंने इस बार यहाँ भी गोप्रो लगा दिया है, सो कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें और रिकॉर्ड करते हैं। तो चलते हैं यहाँ से, पहले मिक्की पाजी घर जाने, उनको पिकअप करना है। ही इज़ ऑल सेट, ही इज़ ऑल सेट एंड रेडी, नीचे वेट कर रहे हैं हमारी, फिर आप लोगों से मिलते हैं वहाँ चल के। अब आपको बाइक पर मिलेंगे। सी यू गाइस। सो गाइस अगेन वी आर बैक ऑन दी रोड और बस अब मिक्की पाजी के पास जा रहे हैं, उनको पिकअप करना है, इज़ वेटिंग फॉर अस डाउन स्टेयर्स, और वहाँ से बस ताबड़तोड़ तरीके से निकल जाएंगे। सो वॉट वी आर प्लानिंग, टू टेक दी वेस्ट ईस्टर्न पेरिफेरल रोड टूवर्ड्स योर मेरठ वाला जो आपका चलते क्या उसका एग्जिट का नाम, आई डोंट रिमेंबर दी एग्जिट नेम, वहाँ तक, और वहाँ से विल बी टेकिंग दी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। सो फ्यूल स्टॉप लेते हैं गाइस, पहला फ्यूल स्टॉप लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। ठीक है, अलसी गाइस दोनों बाइकों में आया है 1564 रुपये का फ्यूल। जस्ट स्टॉप फॉर अ फ्यूल स्टॉप, फ्यूल भरवा लिया 15 लीटर दोनों बाइकों में। इसमें कितना आया है? इसमें आया, पता नहीं, ध्यान नहीं दिया, 13 के आसपास, 13-14 इसमें भी आ गया, 13-1400 रुपये का फुल टंकी, फुल है टंकी, फुल 13-15 लीटर इसमें आ गया, 14-15 लीटर 13-14 लीटर उसमें आ गया, सब में टंकियाँ फुल हो गई हैं। अब हम ताबड़तोड़ तरीके से निकल चुके हैं भाई साहब, कहीं रुकना कोई नहीं है, गर्मी होता है। मिक्की पाजी आ गए हैं, मिक्की पाजी का फटाफट हम गए थे, मिक्की पाजी को घर से पिक किया और हम ताबड़तोड़ तरीके से निकल चुके हैं। बाइकों की भी पीयूसी भी हो चुकी, अब नाउ वी आर टेकिंग द ईस्टर्न पेरिफेरल रोड टुवर्ड्स, कहां तक जा रहे हैं वहां से, क्या हुआ, कहां तक जा रहे हैं हम ईस्टर्न पेरिफेरल से? ईस्टर्न पेरिफेरल से हम लोग शायद दासना पे उतरेंगे, दासना पे उतरेंगे, वहां से हम फटफट अपना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे होके, अब जहां हम फर्स्ट स्टॉप लेंगे गाइस आपको वहां पे अच्छी तरह मिलेंगे, बाकी बाइक पे मिलते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग पटौदी रोड से गए थे पीछे से, क्योंकि मिक्की पाजी को पिक करना था, उनका घर टूवर्ड्स पटौदी रोड है। तो अभी आ गया हमारा ईस्टर्न पेरिफेरल और अब यहाँ से हम चढ़ेंगे ईस्टर्न पेरिफेरल की तरफ और हमें डासना जाना है, मेरे हिसाब से डासना वाली एग्जिट लेनी है, क्योंकि डासना वाली एग्जिट ही आपकी निकलती है आपके इसके ऊपर, व्हाट डू यू कॉल, मेरठ, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे, अकॉर्डिंग टू मिक्की पाजी, आई एम नॉट श्योर अबाउट, आई एम गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस हाईवे टूवर्ड्स डासना, कुंडली तक तो कई बार ही गए हैं, तो देखते हैं कैसा होता है, क्या एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पे। बाकी बोरिंग हाईवे है, मज़ा आएगा, देखते हैं। ट्रक तो काफ़ी चल रहे हैं आज, और ये ट्रक वाला क्या कर रहे हैं भाई साहब, हट जाइए, टोल टोल, इसके अंदर बाइकों का टोल तो है नहीं।
डंडा ना गिर जाए कहीं से। नहीं हल्का सा इधर खिसका दो, टायर से खिसवा दो अपने टायर से ही। बस 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 अपनी एक बाइक स्पैनियर वाली गाड़ी है तो हल्की सी जगह ज़्यादा लेती है निकलने में। चलो चलो लेट्स गो। सो गाइस यहाँ से अब हम लेंगे आगे की लीड और मिट्टी बाजी ने हमको बता दिया ईस्टर्न पे रेफेरियल पे। तो सो फार सो गुड एंड इट्स 3:40 इन द आफ्टरनून और अब हम 4:15 गुड़गांव से निकल रहे हैं। चलो और ये क्या नया व्यू है, इस वाले व्यू को भी टेस्ट करेंगे कि कैसा आता है बीच में दोनों क्लिप्स। चलो गाइस आई विल सी यू गाइस इन अ बिट। ठीक है यहाँ से उतरते हैं, एक्सप्रेस वे कवर करते हैं। एक्सप्रेस वे पे तो कुछ है नहीं गाइस दिखाने के लिए, उसके बाद कुछ देखते हैं आगे की तरफ, थोड़ी देर में मिलते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग चल पड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक के बाद वी जस्ट एंटर्ड दी वेस्टर्न पेरेफेरियल और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक है, पानी वानी की गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और 4 बज गए हैं। हाँ भी लौंडो क्या कहना चाहोगे? बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, यही कह रहा था मैं कि सोचा था 1 बजे चलेंगे, नहीं 2 बजे और निकलते निकलते बज गए हैं 4। देखो वहाँ पहुँचते कैसे, पिछली बार इतनी सर्दी थी कि ट्रक्स उड़ गए थे, इस बार इतनी गर्मी है कि बस बंद पूछो डिहाइड्रेट हो रहे हैं, पानी पी रहे हैं, दे रखा है 35 डिग्री दिखा रहा है भाई। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं, फटाफट पानी पी के निकलते हैं गाइस क्योंकि इट्स गेटिंग टू लेट। इससे पहले पहुँचते पहुँचते 11:12 बज जाएंगे, जहाँ भी जाके मैंने बताया नहीं हम जा कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, बताया नहीं, स्टे ट्यून्ड। चलो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं। 72 किलोमीटर डन और मेरे एक्सप्रेस वे से हम वही वाला रूट लेंगे टूवर्ड्स मुजफ्फरनगर से। इस बार हम देहरादून की तरफ नहीं, हम लोग ऋषिकेश की तरफ जाएंगे। तो देखते हैं आज कहाँ तक जर्नी जाती है, तब तक आप लोग इस ब्यूटीफुल हाईवे को एंजॉय करो। ठीक है, आई सी यू गाइस इन अ बिट। अभी भी स्टॉप नहीं कहेंगे इसको, जस्ट अ सूसू पानी ब्रेक। एक से बढ़ के एक दुनिया में मिलते हैं वैसे, क्योंकि बाइक 160-170 किलोमीटर चला ली थी और नॉनस्टॉप 110-120 पे चल रही थी, तो इट वाज इम्पोर्टेंट टू गिव द बाइक्स सम रेस्ट। सो बॉयज हाउ यू फीलिंग गाइस? आज जन्ना गए, क्लासिक में तो आज जन्ना जाते हैं। ये नम हो जाती है मेरे को, हल्की तो मेरी भी नम है। अपना ओके दाब से सीटी बज रही है यूं करने में। हां सीटी मेरी बज रही है, हल्की बज रही है, पर बहुत बज रही है। 150-160 किलोमीटर हमने नॉन स्टॉप मारा है। बाइक के चक्कर में बाइक के चक्कर ना, ओ जेडिया में जेडी जा में जेडिया जेडिया टाइम देखता है। मत करो। सो गाइस ब्रेक लेते हैं 10-15 मिनट का, फटाफट यहाँ से निकलते हैं क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट 5:07 इन द इवनिंग और अभी तक तो हम मेरठ भी नहीं पहुँचे। फटाफट यहाँ से ब्रेक लेते हैं और फिर निकलते हैं, फिर आपको बाइक को मिलते हैं। सी यू गाइस। सो गाइस अगेन वी आर बैक ऑन द रोड, छोटा सा स्टॉप लिया है बस, फटाफट पानी पी लिया फटाफट और हाथ जन जन आ गए थे। मेरे को प्यास लगी थी। मिक्की पाजी हमारे जो इनको प्यास लगी थी, आपकी आवाज़ आ रही है व्लॉग में। So watch your words and watch your mouth. Okay. Yeah. It's finally we have reached Meerut और expressway finally ख़त्म हो गया after long 214 kilometers. Not 214 kilometers, 214 minus 10, 204 kilometers.
काफ़ी लंबा पड़ा हमें, बट कोई दिक्कत नहीं. सोफा सोफा सो गुड. और दो ही और 2 घंटे लगे हमें पहुँचने में. मैंने 5:48 इन द इवनिंग. सो यहाँ से मेरे हिसाब से इट विल टेक अनदर 1.5 आवर 45-50 मिनट्स टू रीच मुजफ्फरनगर. मुजफ्फरनगर से अपने को जाना है टूवर्ड्स हरिद्वार. सो गाइस अभी हुई कुछ हंसी मजाक की हरकत हमारे साथ. क्यों मैं मिकी पाई राइड पे गए, कीड़े ने काटा. गाइस पता क्या हुआ, एकदम से चलते चलते मेरे को यहाँ पे एकदम से लगे जैसे किसी ने काटा, सांप ने डंक मार दिया हो. ओ भाई मैंने एकदम से हैंडल बार छोड़ा, 2-3 बार झटका तो दिखे ही ना, क्योंकि इसकी जो ओपनिंग है जैकेट की वो टाइट है. तो मैंने फटाफट लेफ्ट में बाइक रोकी, उतरे भागे मेरे हाथ की तरफ तो कीड़ों ने काटा तो भाई पूरी जैकेट उतारी सब कुछ है. हमला हो गया मेरे ऊपर, कीड़ों ने हमला कर दिया. पता नहीं कहाँ से कीड़ा आया मेरे हाथ पे काट गया. हमने भी रकड़े से अच्छी तरह रगड़ दिया उसको. चैनी की तरह हमने भी रगड़ दिया कड़े से. ओहो तो ऐसी कोई जैसे उड़ के आ रहे हैं ना कीड़ा, ऐसी कोई हाथ पे आया होगा मेरे. हाँ सही है. नाम क्या है आपका? नाम क्या है? नाम विकास भाई. वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे. हाँ जी विकास नाम था भाई का. कह रहे हैं हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, जितने भी आप यूट्यूबर्स हैं. यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब. कह रहा सर थोड़ी सी वीडियो में भी ले लो अपनी. फिर मैंने कैमरा ऑन कर दिया. आई जस्ट टुक अ स्टॉप, ट्रांजिशन ब्रेक भी लेना था, रात भी हो रही है और सामने KFC दिख गया. तो हमारी नीयत जो है वो डामाडोल हो गई. मिकी पाजी ने भी कुछ नहीं खा रखा था दिन में, मैंने सिर्फ पपाया खाया था, प्रोटीन पिया था जिम के बाद, फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाए थे. तो इससे बेटर कि वहाँ जाके हम कुत्ते की तरह खा के और वैसे ही सो जाएं. ओए चलते चलते इतनी फटीक हो जाती है, डबल स्टैंड पे भी नहीं चढ़ती मेरे से. तो भाई अंदर चलते हैं, कुछ खाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं. हम खा रहे हैं तंदूरी चिकन जिंगर बर्गर. तंदूरी चिकन पेप्सी. जन्नत आ गया, स्वाद आ गया, मजा. ऐसा है क्या? तो बहुत भूख लग रही थी एकदम से, कैसे दिखते ही मुझे भूख लगने लगी. मैं कह रहा हूँ आधा लीटर पानी सो गया मेरे लिए. अच्छी खासी गाइस डिहाइड्रेशन हो गई है. यहाँ से चिकन बर्गर बढ़िया खाते हैं. जिंगर तंदूरी जिंगर तंदूरी आज में हमने लिए चिकन पॉपकॉर्न. तो मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों को बाइक पे खाना ना खा के. सो गाइस फाइनली डन विद द स्टॉप. मिकी बाजी ने अपना हेलमेट रखा शीशे के ऊपर, वहां से धड़ाम नीचे. लकीली कुछ हुआ नहीं. ब्लॉग में लेना तू. आओ कितनी गलत बात है तेरी. आई एम अ बैड बॉय, विल यू बी माय बैड गर्ल? चलो गाइस सो फार सो गुड, चलते हैं आगे. आज की जो डेस्टिनेशन है, फाइनली मैं डेस्टिनेशन रिवील करने जा रहा हूँ. आज की डेस्टिनेशन रिवील करने जा रहा हूँ. आज हम जा रहे हैं शिवपुरी. और अरे आप बाइक में फ्यूल कितना है? फ्यूल फुल कैसे हो सकता है? एक 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 ये तो रिजर्व में लग गई. गेज खराब है. ट्रिप एफ हो गया है तो? ट्रिप पक हो गया. 263 किलोमीटर चली है. बड़ा बुद्धू तूने ट्रिप रिवील किया, आगे जाके ठीक से करती हो. पर ये इसके अंदर मुझे बुद्धू रिवील हुई है साली. ये तो हल्की अभी आधी टंकी से नीचे अभी तो है. पर ये ट्रिप एफ पे क्यों लग गया? अरे इसकी गेज खराब है सब. ये रॉयल एनफील्ड है ना? अबे तेरे रॉयल एनफील्ड का गेज खराब है. चलो फिर तेरी में ब्लिंक कर रही है क्या? चलो फिर तेल लगे से लीक तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं मैं कहा तेल भी देख लूंगा, इसे लीक तो नहीं कर रहा. नहीं मैं पीछे पीछे आ रहा था. नहीं 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 चलो गाइस
चलो लड़के कह रहे मैंने बहुत फुद्दू तरीके से ट्रिप रिवील कर दी है, कहाँ जा रहे हैं, आगे चल के सही से करना ठीक है, इनकी भी बात मान लेते हैं। चलो चलो बॉयज, या मैन हूज दिस, कहाँ से क्यों जा रहे हो और कहाँ से जाना था? ये रास्ता था बेटे, ये देख। अबे तो वहाँ से उल्टी घुमानी पड़ती, पूरी रिवर्स लेनी पड़ती, इसलिए यहाँ से लिए। बहुत बहुत तेज ट्रैफिक आ रहा है पीछे, के देख कर आना। तो चलो गाइस, रात में तो अब कुछ हाईवे पे दिखाने के लिए बचा नहीं, कहीं रुकते रुकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, तो आप लोगों से मिलते हैं ठीक है। I'll see you guys, taking our second fuel stop। मेरी बाइक रिजर्व में लग गई थी, चली 300 किलोमीटर है, बट थोड़ा सा डामाडोली रहता है इनका, रॉयल एनफील्ड्स का, सो इट्स बेटर टू हैव एक्स्ट्रा फ्यूल। ये इधर दिखाओगा कैमरा, उधर दिखाओगा? ये भाई इधर दिखाएगा, ये वाला सीधे दिखाएगा। बस 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 ठीक है, 4 लीटर तो था। पैसे दे रहा हूँ भाई, एक मिनट। लेकिन फ्यूल स्टॉप 300 किलोमीटर बाद मैंने तेल डलवा लिया है, और 9 लीटर इसमें आया है और 7.5 लीटर क्लासिक में आया है। और मिक्की बाजी की बाइक अभी भी आधी टंकी दिखा रही है इनकी, मेरे को लगता है फुल टंकी 600 किलोमीटर चलती है, जितनी ट्रैम टाइगर की सफारी टैंक चलता है 33 लीटर का। इनकी बाइक ईवी है, हाइनेस ईवी, हमने नई बाइक हॉर्नेस हॉर्नी होंडा हॉर्नी ईवी होंडा हॉर्नी ईवी। सो अभी हम रुड़की से पहले है ना हम लोग, मैं कह रहा हूँ रुड़की से पहले ही है ना अभी हम लोग, रुड़की से पहले ही है ना अभी हम लोग। तो भाई रुड़की से पहले ऋषिकेश 101 किलोमीटर, हमें ऋषिकेश से थोड़ी सी और आगे जाना है। वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी, पहला बोर्ड आ गया पर हरिद्वार अभी भी 53 किलोमीटर दूर है। सो राइड इज गोइंग वेरी स्मूथ, टेम्परेचर इज वेरी गुड, 27-28 degrees आउटसाइड, बाइक 30 दिखा रही था, 2-3 degrees कमी होगा इससे, और ट्रैफिक भी कम है रात में, और लाइट्स अच्छी हैं इस बाइक में लगाई, जो मैंने लगवाई है जीजी की, अच्छा थ्रो है लाइट्स का, तो लाइट्स की भी प्रॉब्लम हो नहीं रही, बाकी एवरीबॉडी इज़ कम्फर्टेबल ऑन द बाइक्स, सो मज़ा आ रहा है। गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड हरिद्वार, हरी के द्वार आ गए हैं हम, और साथ में ये गंगा की कोई ट्रिब्यूटरी बह रही है देखो, और ये लाइन से राइट साइड में होटल बने हुए हैं, लेफ्ट साइड में सारा ये गंगा व्यू है। गंगा तो नहीं है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है कोई छोटी सी, बट है ये गंगा ही, पार्ट ऑफ गंगा ही। ऋषिकेश में हमारे कज़न रहते हैं कन्नू पाजी, जिनको हमने वहाँ से पिक किया है, जो हमारे मिक्की पाजी की बाइक के पीछे बैठे हुए हैं, तो अभी आप लोगों को कन्नू पाजी से मिलवाते हैं। और मिक्की पाजी थोड़ा ट्रैफिक ये कम कब होगा? बस हो जाएगा यार, आगे रोड थोड़ी सी संकरी है यार। संकरी? अच्छा संकरी है, शुद्ध देखो शुद्ध हिंदी का प्रयोग ना करें, इतने हिंदी मेरे पास दर्शक नहीं है। अरे आप देखिए, हम अभी ऋषिकेश जैसे शहर में है, तो शुद्ध हिंदी हमारे मुंह से ऑटोमेटिकली निकलेगा। अच्छा ऐसा है क्या? ये भी ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं तो हम आपकी बात को मना नहीं करेंगे। ऋषिकेश गंगे राइट में है भाई। अरे आप हमसे क्यों डराए हैं, बिहारी कब से हो गए भैया? अच्छा बिहार, अच्छा मैं अगर इधर शुद्ध हिंदी बोलता हूँ, मैं बिल्कुल बिहारी वाला एक्सेंट आ जाता है मेरा। सो गाइस तो गाइस आज हमने मोटरसाइकिल मोटी मोटी 450 से 400 किलोमीटर के बीच में चला ली है,
हमको थोड़ा दूर इसलिए पड़ा क्योंकि वी टुक दी वेस्टर्न एक्सप्रेस, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, तो उसकी वजह से हमें पाजी कितना अच्छी कितना 50-60 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ा है, 60 किलोमीटर में एक्स्ट्रा पड़ा, बट कोई बात नहीं, सो फार सो गुड। दिल्ली का ट्रैफिक से बचने के लिए पैर जलते गर्मी में खड़ा होना पता रेड लाइट से, उससे बेटर है कि हाँ 60 किलोमीटर फालतू चलेगा, दैट इज़ ओके। दो लीटर बाइक में मैक्सिमम 1.5-2 लीटर तेल पी ले, दैट इज़ ओके। बट ऋषिकेश आके द वाइब इज़ वेरी गुड, राइट मिकी पाजी? The vibe is very good. Yes, मतलब बहुत lively crowd है यहाँ पे और लोग अच्छे, मतलब भरा हुआ है, हलचल है रात के 10:30 बजे भी, and it's right now it's 10:14 in the night. So guys, finally we have reached Shivpuri और हम अपने resort से we are just a couple of kilometers away. तो यहाँ बस एक बार ही पानी नहीं पिया था यार, जब से पेट्रोल डलवाया था तब से नॉन स्टॉप चले जा रहे हैं। तो एक जस्ट अ नॉर्मल 5 मिनट्स वाटर ब्रेक, और रोड बड़ा अच्छा था, रोड बहुत अच्छा था, इट वाज वेरी छोटा सा माउंटेन रोड, अपहिल डाउनहिल गुड। और ऋषिकेश को क्रॉस करके हमने, मतलब वी वर ऑन द लेफ्ट बैंक एंड ऐसे गंगा क्रॉस करके वी केम ऑन द राइट बैंक, और उसके बाद क्या मज़ा आया भाई, सब मज़ा ही मज़ा आया। मुझे लद्दाख का एक वो याद आ गया जिसमें वो कहता है कि बी जेंटल ऑन माय कर्व्स, मजा आया बहुत ताबड़तोड़। सो गाइस फाइनली ऋषिकेश हम लोग पहुंच चुके हैं और हम आपको मिलवाना चाहते थे मिक्की पाजी के कजन से, दिस इज कन्नू पाजी, हमारे स्टार आदमी है ये, और बहुत ही तगड़े सिंगर है, और बहुत ही तगड़े सिंगर है, मिक्की का फ्रेंड, यूके 14 वाला कैरी सिंगर, बहुत अच्छे से गाना शुरू कर पाएंगे, और फटाफट चलते हैं रिसोर्ट और वहां आप लोगों से मिलते हैं। So guys, finally we have reached Mohan Chatti Resort and it's 11:18 in the night. Resort बहुत ज़्यादा अंदर आके था, but चलो, so far so good. It was a good day of riding. So guys, we have just checked in to this Mohan Chatti Resort. और toilet seat ही गिर गई हमारे bathroom की. मतलब कैरी बाजी क्या कहना है आपका? मेरा कहना ये है इस रिजॉर्ट में आप देख समझ के आए, जो दिख रहा है फोटो में वो नहीं है तो पूरी जानकारी भैया टॉयलेट सीट गिर गई, टॉयलेट सीट गिर गई अंदर वहाँ पर विक्की बाजी हंसी आ रही है भाई लोग बहुत ज्यादा हंसी आ रही है, ये हमारे अनूप भाई है बढ़िया। सो गाइस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ वन ऑफ द वर्स्ट प्लेसेस दैट आई हैव एवर बीन एज अ रिजॉर्ट, जगह बहुत प्यारी है, बिल्कुल सामने वो अगर वहाँ दिख रही है गंगा की क्या कहते हैं ट्रिब्यूटरी है छोटी सी बहरी, वहाँ जाके अभी आपको दिखाता हूँ मैं, और इट्स 12 इन द नाइट एंड मज़ा तो आ रहा है देखो, बट हम जहाँ बैठ जाए मज़ा तो आता है, बट अगर मैं कह रहा हूँ आई विल नेवर रिकमेंड दिस होटल टू एनीबॉडी, मोहन चट्टी रिसोर्ट जो भी है, ये बाइक्स वगैरह हमारी वहाँ पे पार्क्ड हैं और वो एंट्री है यहाँ से, ये एक नीचे रोड एक कैसे नीचे शेयर जा रही है, नीचे रूम्स बना रखे नीचे वाले रूम्स, तो मैं कह रहा हूँ हम चार लोग, मैं कह रहा हूँ मैं अकेला अगर सिंगल राइड कर रहा होता तब भी उसमें सामान नहीं आता मेरा, क्योंकि मैं सोलो कर रहा था, हम तो चार लोग हैं, मी मिक्की पाजी शदीप पाजी एंड अपने कैरी पाजी फ्रॉम ऋषिकेश। सो गाइस देखते हैं अब क्या होता है, खाना वाना तो ऑर्डर कर रखा है हमने, अभी नीचे चले गए गंगा के तट पे हम लोग बैठ के डिनर करने वाले हैं, चलो वो तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही हो रहा है हमारे लिए, बट देखते हैं, सो फार सो गुड, कोई टेंशन नहीं है, हम हर जगह कॉम्प्रोमाइज सैक्रिफाइस करके रह लेते हैं, अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिक्की भाजी आपका टाइम एक्चुअली यही हो रहा है कि टाइम ज्यादा हो रहा है, अगर अभी 6 बजे होते तो आई वुड हैव चेक्ड इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल रिसॉर्ट। मिक्की भाजी आपका क्यों मूड खराब है, आप क्यों फटअप हो गए हो, ये तो बता दो यार, बस मोहन चट्टी रिसोर्ट इन मोहन चट्टी ऋषिकेश नियर शिवपुरी, राइट यही है ना कुछ नियर शिवपुरी, नियर मोहन चट्टी, नियर मोहन, जो भी आप समझ लेना गूगल पे सर्च कर लेना पता लग जाएगा। सो सो फार सो गुड, ऐसी कोई नहीं, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन हर जगह खुश है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से, गंगा किनारे प्लान कर रहा है वहीं बैठ के फिर खाना पीना करते हैं, चलो ऑल सी यू गाइस। सो गाइस फाइनली खाना वाना थोड़ा बहुत आ गया है और
आप लोग अगर देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे, यहाँ पे छोटी सी एक रिवर बह रही है, ट्रिब्यूटरी है ये, गंगा की भी नहीं है, गंगा की ट्रिब्यूटरी भी नहीं है, कोई और रिवर है ये, जो मेरे को यहाँ पे अनु भाई थे जिन्होंने बताया, ये लैंसडाउन से रिवर आती है। और ये कुछ ऐसा माहौल है यहाँ पे, सुबह पता लगेगा यहाँ पे बड़ा सा पहाड़, और ये अगर आप लोगों को पेड़ दिख रहा है तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है पेड़ ये। और ये सामने ऐसे लंबा सी रिवर है, और अभी तो ये कितनी दो ढाई फिट का पानी है, बट ये जब बारिश होती होगी तो काफ़ी जबाई जब पानी रहता होगा इसके अंदर। तो बाकी यहाँ पे थोड़ा सा इन्जॉय करेगा, रात में कुछ दिखेगा नहीं, तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ये हमारी थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी सी महफिल जमी हुई है, ये हमारे थोड़े भाई बैठे हैं हमारे, सो विद दैट सेड लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, मेहनत बहुत लगती है गाइस बनाने में, इतनी दूर दूर बाइक पे आना सब कुछ होता है, थोड़ा सा सपोर्ट करो, हम और आगे चलते रहेंगे और वीडियोज बनाते रहेंगे और बहुत एंटरटेनमेंट करेंगे आप लोगों को। विद दैट सेड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, लाइक कमेंट एंड शेयर, और आपको फिर ऐसे चलते फिरते इसकी भी जरूरत है। चलो सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, स्लीप टाइट। Sometimes you need to go, take a step back.